हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने बेटे संभव की शादी उसकी पसंद की लड़की कृति से तय करने के बाद किरण खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उनके खानदानी पंडित शादी से एक हफ्ता पहले बड़ा ही परेशान चेहरा लेकर उनके घर आते हैं, जिस पर किरण बोलती है, अरे पंडित जी क्या हुआ, आप इतना चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हैं, कोई परेशानी की बात है क्या? बात ये है कि आज आपकी कुंडली देखकर ये पता चला है कि इस घर में आपकी बहू के कदम रखते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपकी बहू आपके जीवन के लिए खतरा है, वो भी कम से कम एक साल तक। मतलब अगर एक साल से पहले वो इस घर में बहू बनकर आई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या, हे भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं पंडित जी, अब मैं इस शादी को रोक थोड़ी सकती हूँ। तो ऐसा करिए, संभव बेटे से मेरी बात करवा दीजिए, मैं उसको सच बता देता हूँ, वो खुद ये शादी एक साल के लिए टाल देगा। नहीं पंडित जी, संभव को लगेगा ये मेरा कोई तरीका है शादी रुकवाने का। पहले मैं इस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि लड़की हमारी बिरादरी की नहीं थी, पर बेटे की खुशी के लिए मैं मान गई, और भगवान की दया से लड़की का स्वभाव भी अच्छा है। लेकिन शादी में एक हफ्ते पहले ऐसी खबर देना, सबको तो यही लगेगा ना कि मैं शादी में अड़ंगा डालना चाहती हूँ। तो अब आप क्या करेंगी? देखती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, आगे मैं देख लूँगी कि क्या करना है। पंडित जी किरण के घर से चले जाते हैं, जिसके बाद वो सोच में बैठ जाती है कि अब क्या करे। तभी संभव हाथों में शेरवानी लिए उसके सामने आकर खड़ा होके बोलता है, माँ ये शेरवानी कैसी लग रही है मेरे ऊपर, लगूंगा ना टॉप क्लास का हीरो। हाँ हाँ बेटा, एकदम हीरो लग रहा है। बहू ने अपना लहंगा ले लिया? हाँ माँ, हम दोनों ने सेम कलर लिया है, मेरी शेरवानी के रंग का ही उसका लहंगा है। सच में मैं अब बहुत खुश हूँ माँ, फाइनली कृति इस घर में बहू बनकर आने वाली है। तू तो खुश है, लेकिन मैं अपने बेटे की खुशी देखकर किरण का मन नहीं मानता कि वो उसे कुछ भी बोले, इसीलिए वो चुप रहने का फैसला लेकर अपने बेटे की शादी कराने का तय करती है। देखते ही देखते शादी का दिन आता है, नाचते गाते बारात लड़की वालों के यहाँ पहुँचती है। फिर शादी की सभी रस्मों के बाद जब दारों की छाव में कृति के विदा होने का समय होता है, तो वो अपनी माँ कल्पना से लिपट कर रोते हुए बोलती है, माँ मुझे नहीं जाना, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, ससुराल में मेरा मन भी नहीं लगेगा, मुझे अपने पास रख लो ना माँ। बेटी, हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही होता है, काश मैं तुझे कुछ दिन और अपने पास रख के लाड लड़ा सकती, लेकिन अब शादी के बाद तुझे अपने ससुराल जाना ही पड़ेगा। नहीं माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। कृति को ऐसे रोता देखकर किरण के मन में एक ख्याल आता है, जिस पर वो अपने मन ही मन बोलती है, जब बहू खुद ही नहीं जाना चाहती तो हम क्यों जबरदस्ती करें, ऐसा करती हूँ उसको यहीं रहने देती हूँ, किसी तरह बहाने से एक साल उसको ससुराल आने से रोक लूंगी तो मेरा भी काम हो जाएगा, वैसे भी शादी तो हो ही गई है। कृति को ऐसे रोता देखकर संभव उसको संभालते हुए बोलता है, कृति रो मत, मेरी माँ भी तुम्हारी माँ जैसी है, वो तुमको अच्छे से संभाल लेंगी। माँ माँ होती है संभव, माँ से दूर जाने का दुख तुम क्या समझोगे। बेटा संभव, बहू सही कह रही है, माँ माँ होती है, इसलिए बहू तू ऐसा कर, हम अभी विदाई नहीं करते तो ससुराल मत आ, यहीं रह अपनी माँ के पास, और समधन जी जितना लाड लड़ाना है लड़ा लो। अरे आप ये क्या कह रही है, वो तो कृति थोड़ी दुखी है इसलिए ये सब बोला, विदाई तो करनी ही है। अरे नहीं नहीं, हम बहू को रुला के नहीं ले जाना चाहते, इसलिए आप उसको यहीं रखो। संभव बेटा चल घर चलते हैं, शादी तो हो गई ना, बहू को कुछ दिन यहीं रहने दे। माँ आप ये क्या कह रही हो। सही कह रही हूँ, चल घर चलते हैं। अच्छा संधन जी चलते हैं। किरण जल्दी जल्दी संभव का हाथ पकड़कर उसको कार में बैठाती है और बिना बहू के ही बारात लेकर घर लौट आती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। कृति रोना बंद करके अपनी माँ से बोलती है, माँ ये क्या हुआ, विदाई में रोना पाप है क्या, मेरी सास तो मुझे ससुराल ही नहीं लेकर गई। और रो चिल्ला चिल्ला कर कि मुझे नहीं जाना, माँ मैं कैसे रहूंगी, छोड़ गई ना अब तेरी सास यहाँ, चल अब अंदर चल।
बेचारी कृति को अपनी विदाई पर रोना भारी पड़ जाता है। दूसरी तरफ घर आने के बाद संभव अपनी माँ से बोलता है, माँ ये क्या है, कोई बारात बहू को बिना लिए लौटती है क्या? अरे हर लड़की विदाई के समय रोती है और यही बोलती है कि मुझे ससुराल नहीं जाना, तो क्या सब छोड़ आते हैं क्या अपनी बहुए? बेटा मेरे से बहू का दुख देखा नहीं गया, वो अपनी माँ से ऐसे कैसे एकदम से दूर हो जाती, इसलिए मैंने कुछ दिन के लिए उसे वहीं छोड़ दिया। वो कुछ दिनों में अपने दिल को समझा लेगी कि ससुराल जाना जरूरी होता है, तो दुख नहीं होगा इतना। बेचारा संभव अपनी माँ की बात मानकर कुछ दिनों की दूरी को बर्दाश्त कर लेता है। ऐसे ही एक हफ्ते बाद सुबह सुबह संभव अपनी माँ से बोलता है, माँ कृति अब समझ गई है कि लड़की को ससुराल में रहना पड़ता है, इसीलिए मैं उसको लेने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, अब क्या करूँ, ये तो इतना उतावला है बहू को लाने का, कुछ सोच किरण। हाँ बेटा ले आइयो, लेकिन शाम को घर आइयो पहले, उसके बाद जाइयो, कुछ सामान लेकर जाना होता है विदाई के लिए। हाँ माँ ठीक है। संभव ये बात फोन पर कृति को बताता है कि आज वो उसको लेने आएगा। इस बात से खुश होकर कृति अपनी माँ से बोलती है, माँ आज शाम को मेरी विदाई होगी, संभव जी मुझे लेने आएंगे, सासू माँ ने भी बोल दिया है। शुक्र है भगवान का, चल शाम की तैयारी करते हैं। शाम को काम से घर आने के बाद संभव कृति को लेने जाने को तैयार होकर निकलने लगता है कि तभी पंडित जी घर आकर उसे रोकते हुए बोलते हैं, संभव बेटा जहाँ भी जा रहे हो रुक जाओ, आज मैं तुम्हारी कुंडली देख रहा था तो इसमें लिखा है घर में किसी भी नए इंसान के आ जाने से तुम्हारी सेहत बहुत खराब हो सकती है, इतने की कुछ अनहोनी भी हो सकती है। क्या ये क्या कह रहे हैं पंडित जी आप, मैं तो अपनी बीवी कृति को लेने जा रहा था, शादी के बाद पहली बार वो घर में आने वाली है। बेटा तुम्हारे लिए ये बहुत खतरनाक है। सही समय पर आ गए पंडित जी। नहीं नहीं पंडित जी ऐसा मत बोलिए, ऐसी बात है तो बेटा नहीं लाना बहू को, मैं तेरी जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। पर माँ। पर वर कुछ नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। तभी संभव के फोन पर कृति का कॉल आता है और किरण उससे फोन लेते हुए कृति से बात करती है, हेलो संभव आप निकल गए घर से, कब तक आओगे? माफ करना बहू, लेकिन तुम्हें अभी ससुराल नहीं आना, तुम ससुराल नहीं आ सकती। माँ जी आप, और आप ऐसा क्यों कह रही हैं? किरण कृति को सब कुछ बता के कॉल कट कर देती है, जिसके बाद कृति अपने घर में रोते हुए बोलती है, नहीं हे भगवान, इस जन्म में मैं अपने ससुराल जा पाऊंगी भी या नहीं। बेचारी कृति और संभव शादी के बाद भी एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। किरण कभी किसी दोष तो कभी किसी बहाने का सहारा लेकर बहू को ससुराल आने से रोकती रहती, लेकिन अब संभव ऊब चुका था इन कुंडली दोषों और बहानों से, इसीलिए एक दिन वो अपनी माँ से बोलता है, माँ बस बहुत हुआ, अब मैं कृति से और दूर नहीं रह सकता, मैं उसको अभी इसी वक्त लेने जा रहा हूँ। नहीं बहू ससुराल नहीं आएगी, तेरी जान को खतरा है बेटा। कोई नहीं, अब चाहे मैं मरूं, लेकिन अब वो अपने ससुराल आएगी ही। संभव गुस्से में घर से निकल जाता है और कृति को उसके साथ लेकर अपने घर के दरवाजे के अंदर आने ही वाला होता है कि तभी किरण उसे रोकते हुए बोलती है, रुक जा बेटा, बहू को घर में मत ला वरना मेरा मरा मुंह देखेगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ, आपने तो कृति को अपना लिया था, फिर ये सब क्यों कर रही हो, शादी के बाद भी हमको अलग क्यों रहना पड़ रहा है? किरण मजबूरी में संभव और कृति को सब कुछ बताती है अपनी कुंडली के बारे में, जिसको सुनकर संभव बोलता है, माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे माँ कृति मेरा प्यार है, लेकिन आप मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी को बचाने के लिए मुझे कृति से 1 साल क्या हमेशा भी दूर रहना पड़ता तो मैं रह लेता। हाँ सासू माँ, आपसे बढ़कर हमारा साथ रहना जरूरी नहीं है, जहाँ ये 6 महीने गुजर गए वहाँ 6 महीने और हम अलग रह कर गुजार देंगे। अपने बेटे बहू की बात सुनकर किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बाहर आकर उनको आशीर्वाद देती है कि तभी पंडित जी आते हैं और सबको ऐसे घर के बाहर देखकर बोलते हैं, पंडित के बच्चे रुक तेरी कुंडली तो आज बनाता हूँ, तेरी वजह से मेरी माँ ने मेरी बीवी को ससुराल नहीं आने दिया, नहीं रुक तू अब। पंडित जी की ये बात सुनकर संभव उसको घूरता है,
जिसके बाद पंडित जी मौका पाकर वहाँ से भागने लगते हैं और संभव भी उसके पीछे भागकर बोलता है, अरे किरण बहन जी माफ करिएगा, वो मैंने गलती से किसी और की कुंडली पढ़ के आपको बता दी थी। आपकी बहू को कोई दोष नहीं है, आप उसको घर ला सकती हैं। बेचारा संभव गलत कुंडली के कारण अपनी अच्छी खासी बीवी से 6 महीने दूर रहा, लेकिन अंत में अब किरण अपनी बहू को ससुराल में दाखिल कर ही लेती है। मानसी एक बहुत ही चुलबुली और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे घर के सारे काम करने बखूबी आते थे। उसे अपनी भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव था, जिसके चलते वो महाभारत, रामायण और पुराणिक कथाओं से ज्यादा जुड़ी हुई थी। इसीलिए वो अक्सर शुद्ध हिंदी ही बोला करती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी दीपिका और पापा रणवीर रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी मम्मी उसे बुलाते हुए कहती है, अरे मानसी बेटा खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा। माता श्री आप तनिक हमारे साथ स्थान ग्रहण करें भोजन करने के लिए। ओहो फिर से तेरी शुद्ध हिंदी चालू। वाह उत्तम, अति उत्तम भोजन बनाया है आपने माते। धन्यवाद पुत्री। माता श्री आप भी। हाँ जैसी पुत्री वैसी माता। माता श्री पिता श्री को आज मेरा एक संदेश दे दीजिएगा कि सूर्य अस्त के समय जब वो घर वापस आए तो वो फल लेते आए। तथास्तु पुत्री, तुम्हारा संदेश पिताश्री तक फोन द्वारा अवश्य पहुंचा दिया जाएगा। वाह मम्मी क्या बात है। एक मिनट मैं शुद्ध हिंदी में ही तारीफ करती हूँ। हमारी प्रिय माता श्री आपके मुख से ये शुद्ध हिंदी के वचन सुन के हम तो धन्य हो गए। पुत्री सदैव ऐसे ही आगे बढ़ो। बताओ अभी तुझे। माता श्री हमें अधिक पीड़ा हो रही है। चल मार्केट से सामान ला कर दे। दीपिका की बात सुनकर मानसी बाजार में सामान लेने के लिए चली जाती है और वहाँ सब्जियाँ खरीद रही होती है। भ्राता श्री ये कितने का है? क्या मैडम? अरे भैया जी ये टमाटर कितने का है? 50 रुपए किलो। भ्राता श्री स्पष्ट रूप से बताइए ना, 50 रुपए तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा आप 40 दे दो, बात खत्म। जी ठीक है। मानसी जब मार्केट से वापस घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक आईडी नीचे गिरी हुई मिलती है, जिस पर मोहित शर्मा का नाम लिखा होता है। वो अपने आसपास सब जगह देखती है और उसे ढूंढती भी है, लेकिन उसे वो शख्स नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे जाती है और उसकी पूछताछ करती है। ऐसे में उसकी एक परेशान लड़के पर नजर पड़ती है, जो वही होता है। और मानसी उसके पास जाकर उससे कहती है, सुनिए सुकुमार मोहित शर्मा आप ही हैं? जी मैं हूँ, पर आप पूछ क्यों रही हैं? क्योंकि श्रीमान आपकी वस्तु हमें वहाँ धरती पर गिरी मिली। हमने उसे उठाया और विचार किया कि क्यों ना आपकी वस्तु आपको वापस लौटा दी जाए। थैंक यू मेरी आईडी को लौटाने के लिए। क्षमा कीजिए मगर आपको थैंक यू की जगह हमें कॉफी पिलानी पड़ेगी। अरे क्यों नहीं, थैंक यू के बदले मैं कुछ भी करूँगा। अगर आईडी खो जाती तो दोबारा चक्कर काटने पड़ते गवर्नमेंट ऑफिस के। दोनों कॉफी पीने के लिए पास के ही एक कैफे में पहुंच जाते हैं। मोहित कॉफी ऑर्डर करता है और उससे पूछता है, अच्छा आपको मेरा नाम तो पता चल गया, पर आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम मानसी है। ओह और बताइए अपने बारे में, आप क्या कर रही हैं आजकल? जी मैंने कला स्नातक किया है और संगणक में मैंने सर्वश्रेष्ठ कोर्स किया है। इतनी कठिन हिंदी में भी आपने सर्वश्रेष्ठ कोर्स किया है? जी नहीं तो। तो फिर इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोलती हो? अरे वो महाभारत और संस्कृत वाले एपिसोड देख देख कर ना मुझे हिंदी बोलने की बहुत ही अच्छी आदत आ गई है। और सच बताएं हमें अपने मुख से ये शुद्ध हिंदी के वचन बोल कर ना अत्यंत आनंद आता है। ओ सच में तुम बहुत यूनिक लड़की हो, तुम्हारी भाषा में कहूँ तो मानसी आप बहुत ही अद्भुत कन्या है। जी वैसे ये दाव अच्छा खेला था आपने। थैंक्स। तो जजमान आप क्या करते हैं? जी मैं MNC में मैनेजर हूँ। ओ अति उत्तम। इसी तरह बहुत देर तक बातें करने के बाद उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। दोनों अक्सर फोन पर भी अब खूब बातें किया करते और उनका मिलना मिलाना और एक दूसरे के साथ घूमना फिरना भी शुरू हो जाता है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मोहित मानसी को एक बीच रिजॉर्ट पर ले जाता है, जहां वो दोनों पूल में एक साथ होते हैं कि तभी मोहित
उससे कहता है, मानसी मुझे तुम्हें कुछ कहना है। जी कहिए। मानसी मैं तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए सज्र हो? हाँ मोहित, प्रेम तो हम भी आपसे बहुत करते हैं और विवाह के लिए भी बहुत तत्पर हैं। तो कैसा लगा मेरा प्रपोजल? बहुत प्रैक्टिस करके आया था तुम्हारे लिए। ओ मेरे प्रिय, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको कभी कठिनाई तो नहीं होगी अगर हम आपसे हमेशा ही ऐसे बात करें? मुझे पसंद है तुम्हारा ऐसा बोलना भी। सत्य वचन, अब से तो तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। हाँ पगली। वक्त बीतता जाता है, दोनों ही अपने घर वालों को शादी करने के अपने इस फैसले के बारे में सब बता देते हैं और घर वाले हंसी खुशी राजी होकर अगले ही हफ्ते बड़ी धूमधाम से उनकी शादी करवा देते हैं। धीरे धीरे मानसी शादी के बाद अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है, लेकिन उसकी सास गायत्री उसके शुद्ध हिंदी बोलने से थोड़ा परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उससे बोलती है, अरे ओ बहू, अरे कितनी देर हो गई, खाना मिलेगा या नहीं? मानसी अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है, दोनों बैठकर एक साथ खाना खाती हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों सास बहू साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर जाती हैं, जहां गायत्री बोलती है, अरे भैया ये वाली साड़ी दिखाना, बहुत अच्छी लग रही है। ये लीजिए माता जी। भैया वो वाली साड़ी दिखाइए। भ्राता श्री, आपको हमारी माता श्री की बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रही है, वो आपसे वो वाला वस्त्र मांग रही है, वो देखिए नीचे से तीसरे हाथ की तरफ केसरी रंग का। अभी दिखाता हूँ मैडम जी, ये देखिए। हाँ यही तो चाहिए था, कब से यही बोल रही हूँ। दोनों सास बहू साड़ी खरीद कर वापस आ ही रही होती है कि रास्ते में एक लड़का माइक में चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोल रहा होता है। सुनो सुनो सुनो, जो इस बेहतरीन संगीत प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा उसे मिलेगी ट्रॉफी और उसके साथ 1,00,000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा, बस इसमें आपको सांस्कृतिक गायकी करनी होगी। उसकी ये बात सुनकर गायत्री कहती है, अरे बहू ये तो तेरे लिए एक सुनहरा मौका है, वैसे भी तो सांस्कृतिक गाना गा, तुझे ये सब तो पसंद है ना? हाँ माते। अरे ये प्रतियोगिता कल ही है और आश्रम जाकर इसकी तैयारी कर लियो अच्छे से। दोनों वापस घर आ जाती हैं। कुछ ही देर के बाद वो इस प्रतियोगिता में गाना गाने के लिए प्रैक्टिस करती है और अगले दिन इस प्रतियोगिता में भाग ले लेती है, जहां अगला परफॉर्मेंस मानसी का ही होता है और वो स्टेज पर आकर सबसे पहले सभी को नमस्ते करती है और फिर गाने लगती है। अंगरि नंदिनी नंदितमर्दिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वाशिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुदुते। इस तरह वो अपना शुद्ध हिंदी का टैलेंट इस प्रतियोगिता में गाकर पूरा करती है और कुछ देर के बाद रिजल्ट्स आते हैं, जहां पर सबसे अच्छी सांस्कृतिक गायिका का खिताब मानसी के नाम किया जाता है, साथ ही उसे एक ट्रॉफी और 1,00,000 रुपए का इनाम भी मिलता है और गायत्री अपनी बहू की प्रतियोगिता जीतने पर घर आकर उसकी नजरें उतारती है, साथ ही उसके साथ कुछ टाइम भी स्पेंड करती है। इतना ही नहीं, इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद मानसी के पास बहुत सारे भक्ति गीत गाने के लिए ऑफर्स आते हैं, जिन्हें वो अपनी सुरीली आवाज में बहुत ही दिल से गाती है और पूरी दुनिया पर राज कर लेती है। I would like to call Miss World 2000, Menka Chaurasia, to give her the title of Miss India 2020 on the stage. Menka Chaurasia, Miss World 2000, स्टेज पर आकर श्रेया चतुर्वेदी को Miss India 2020 का क्राउन पहनाती है, जिसके बाद उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकते हैं। तभी एंकर बोलते हैं, So Miss India श्रेया चतुर्वेदी जी, आपको ये खिताब जीतकर कैसा लग रहा है? पर इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहूँगी अपने फैमिली को और उससे भी ज्यादा थैंक यू करना चाहूँगी मिस वर्ल्ड 2000 मेनका चौरसिया मैम का, जिन्होंने हमेशा ही मेरे जैसी और भी लड़कियों को मोटिवेट किया और उनको आगे बढ़ने में मदद करी। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करें। वेल, बाकी लड़कियों की तरह मेरी भी लाइफ की ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सबकी तरह मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी।
कई जगह लोगों ने मुझे मेरी स्किन कलर के लिए, मेरी हाइट, मेरा वेट, किसी न किसी चीज के लिए मुझे हमेशा ही ताने मारे, लेकिन मैंने उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। और अगर आप सब मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए फिर कुछ साल पीछे चलते हैं। मेनका चौरसिया एक सांवले रंग की लड़की थी जिसे अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज में सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन अपनी मम्मी रीना के कहने पर उसने पहली बार स्टेट लेवल पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था जिसमें मेनका विनर साबित होती है। उसी के बाद से मेनका छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ी। मेनका के पापा अशोक चौरसिया एक आर्मी ऑफिसर थे जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर अलग अलग शहर जैसे कि लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ होता ही रहता था, कभी तो बरेली उनके होम टाउन में भी। ऐसे ही एक दिन मेनका कॉलेज के कैंटीन के बाहर जा रही थी कि तभी उसे कॉलेज के एक स्टूडेंट बोलते हैं, ओए ये देखो भोली सी सूरत। नहीं नहीं, सांवली सी सूरत है इसकी तो। अबे इसकी मम्मी काला टीका भी लगाती होगी ना, तो वो दिखता नहीं होगा। ओए कभी व्हाइट ब्यूटी यूज नहीं की क्या? कोई नहीं, फेयर एंड हैंडसम लगा लेगी। शेम ऑन यू, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे ऐसे बोलने का। बट रियलिटी तो यही है ना कि तुम ब्राउन गर्ल हो। यस आई एक्सेप्ट दैट आई एम अ ब्राउन गर्ल। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मेनका उनको ईट का जवाब पत्थर से देकर आगे बढ़ जाती है। वक्त गुजरता जाता है, मेनका को मौका मिलता है और वो फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करती है जिसमें वो सेकंड रनर अप के रूप में जीत जाती है। और ऐसे ही परिश्रम करते हुए एक दिन उसे मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब मिल जाता है जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है। ऐसे ही एक दिन मेनका के घर में उससे मिलने के लिए हिंदी फिल्म जगत के बहुत ही बड़े डायरेक्टर आशीष भट्ट आते हैं और बोलते हैं, जी मेनका, आपने हमारे देश इंडिया को इतना प्राउड फील करवाया है, हमारे देश का नाम रोशन किया है मिस वर्ल्ड का खिताब जीत कर, इसलिए हम चाहते हैं आप हमारी फिल्म्स में काम करें, आपका फेस हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आए और आप एक नई मिसाल कायम करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लायक समझा, मैं खुशी खुशी आपके साथ काम करूंगी। इस तरह मेनका की एक मिस वर्ल्ड के साथ साथ एक्ट्रेस बनने की जर्नी भी शुरू हो जाती है और उसकी पहली फिल्म पिया का अंगना की शूटिंग शुरू हो जाती है। कुछ ही महीनों में शूटिंग पूरी होती है और फिल्म रिलीज हो जाती है। जनता द्वारा इस फिल्म को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है और अपनी पहली फिल्म की कामयाबी के बाद वो और भी कई जाने माने डायरेक्टर्स के साथ काम करने लगती है, साथ ही खुद एक कामयाब एक्टर के रूप में खुद को साबित करती है। कुछ ही समय में वो बहुत सारी बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज देती है। ऐसे ही एक शाम वो शूटिंग से अपने घर जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी और मम्मी की वजह से हूँ। आज आपने मेरा जितना सपोर्ट किया है ना, शायद ही कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इतना करते होंगे। आई लव यू पापा। मुझे पता था तू एक दिन अच्छा मुकाम हासिल करेगी, मुझे गर्व है तुझ पर। मेनका बेटा ऐसे ही और आगे बढ़ती जा, आई लव यू टू बेटा। पापा मेरे पास आपके लिए कुछ है। क्या है बेटा? अशोक के बहुत कहने पर मेनका अपनी हाथ की कलाई उसे दिखाती है जिस पर मेनका ने उनके लिए डैडीज लिटिल गर्ल का टैटू बनवाया होता है और ये सब देखकर अशोक बहुत ही भावुक हो जाता है जिसके बाद वो अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब मेनका मैगजीन्स के लिए फोटोशूट करना भी शुरू करती है, साथ ही वो बहुत सारे जाने माने ब्रांड्स का चेहरा भी बन जाती है और उनके लिए एड्स करती है। अब वो एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी। ऐसे ही एक दिन उसका इंटरव्यू होता है जिसमें एक रिपोर्टर उससे पूछते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते कभी आपको कोई ऐसा डायरेक्टर मिला जिसके बारे में आपको लगा हो कि इसका तो अभी गला दबा दूं? हाँ, एक लड़की होने के नाते मेरे साथ भी ये सब हुआ है। कई बार लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी करी है, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देती क्योंकि मेरे लिए मेरा काम सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मैं किसी फिल्म बैकग्राउंड से तो आई नहीं हूँ और ना ही इस फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर है। और जब एक लड़की अकेली आगे बढ़ती है तो बहुत लोग उसे पुश करते हैं,
लेकिन मैंने भी इस इंडस्ट्री के तौर तरीकों को सीख ही लिया और इसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा बखूबी साथ दिया है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको ऐसे लोगों की वजह से फिल्म छोड़नी पड़ी हो? जी मैंने छोड़ी है, क्योंकि मेरे लिए मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। थैंक यू मिस मेनका, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और साथ ही अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस इंटरव्यू से काफी गर्ल्स को आपसे प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। ऐसे ही एक दिन मेनका की एक चीफ गेस्ट के रूप में मिस इंडिया 2020 के इवेंट में उसे बुलाया जाता है और उसकी जबरदस्त एंट्री होती है, जहां रिजल्ट के अनाउंसमेंट होता है और मेनका स्टेज पर आती है। साथ ही वो श्रेया चतुर्वेदी को मिस इंडिया 2020 का क्राउन पहनाती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हम सब लोगों के साथ अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया और मैं सच में बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो आज मुझे लाइव आपको सुनने का मौका मिला। आप मेरे जैसी और भी ना जाने कितनी लड़कियों की इंस्पिरेशन है मैम। सभी लोग मेनका की इंस्पायरिंग स्टोरी और उसकी जर्नी को सुनकर उसका तालियों से उत्साह बढ़ाते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। हॉलीवुड में काम करते करते मेनका रॉबर्ट नाम के एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम से लड़के से मिलती है। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं और मेनका रॉबर्ट के साथ एक चर्च में जाकर व्हाइट गाउन पहनकर बड़े ही धूमधाम से शादी कर लेती है। और इस तरह से एक छोटे शहर की ब्राउन गर्ल अपने लाइफ के स्ट्रगल से गुजरकर उन मुकाम को हासिल करती है जहां बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं और फिर अपने हस्बैंड रॉबर्ट के साथ मिलकर वो अपने लाइफ को खुशी खुशी एंजॉय करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।